अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यखनी पुलाव विद स्पेशल रायता, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो आपको एकदम से मिल जाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एक कुकर लिया है हमने और इसमें लिया हमने 1.5 कप पानी और इसमें ऐड करेंगे हम 1 किलो बीफ है हमारे पास, 1 मीडियम साइज़ का अनियन एंड 1 मीडियम साइज़ का लहसुन और 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं ज़्यादा बिकॉज़ हमारे जो बीफ है उसमें नमक अच्छे से ऑब्ज़र्व होना चाहिए। 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे हम सौंफ और 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे हम धनिया, साबुत धनिया। सौंफ हम इसलिए ऐड करते हैं जिससे हमारा गोश्त जल्दी गल जाता है। और हम इसमें लगाएंगे 3 सीटी और 3 सीटी लगने के बाद हम इसको खोलेंगे नहीं, जो हमारा गोश्त है वो दम में ही हो जाएगा। 1 बड़ा पतीला हमने लिया है, इसमें डाला है ऑयल करीब 3 कप और फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन जिसे हमने बारीक चॉप किया था। हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। करीब 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने साबुत मसाले, जिससे कि ऑयल में हमारे सारे साबुत मसालों की खुशबू आ जाए। इनको फ्राई करेंगे हम अच्छे से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अनियन गोल्डन ब्राउन होने पर ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। फिर ऐड करेंगे हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 10-12 लिए हैं हमने हरी मिर्चें जिन्हें हम बीच में से कट कर लिया है और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे हमारा अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह बिल्कुल भुन जाने चाहिए वरना हमारे जो पुलाव है उसमें कच्चेपन का स्वाद आएगा। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे हम अपना गोश्त जो हमने इसको उबाला था, इसको हमने छलनी से छान लिया है इसलिए इसमें सौंफ और धनिया बिल्कुल भी नहीं है और इसका जो पानी था उसको हमने अलग रख लिया है, उसका यूज़ करेंगे हम जब हम चावल डालेंगे तो उससे पहले उस पानी का ही यूज़ करेंगे। तो आप भी ऐसे ही गोश्त को अच्छे से भुनाई करें और गोश्त को छलनी से छान कर निकाल लें। कुछ लोग कॉटन के कपड़े में भी सौंफ और धनिए को फोल्ड कर डालते हैं पोटली बनाकर, मैं तो डायरेक्ट डाल देती हूँ और उसको छन्नी से छान लेती हूँ। यह हमारा पानी है जो हमारा यखनी का बचा था। अब इसको हम ढककर रख देंगे मीडियम साइज़ पर। जब इसमें बॉयल आने लगेगा फिर हम इसमें भिगोए हुए अपने चावल डालेंगे। देखिए इसमें बॉयल आने लगे हैं। इसमें हमने लिए हैं 1 किलो चावल जिन्हें हमने 3 घंटे पहले भिगोया था, इनको अच्छे से धोकर हमने भिगोया था। अब इन सारे चावलों को इसमें डाल देंगे और इसको चलाएँगे और कोई भी पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चावल ऑलरेडी हमारे आधे सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने इन्हें 3 घंटे पहले भिगो रखा था। इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच नमक। मेरा रोज़ा है इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि जो चावल होते हैं वो भी थोड़ा नमक ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपका अगर रोज़ा ना हो या रमज़ान के अलावा आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप नमक टेस्ट करके डाल सकते हैं। एक साइड हम तैयारी करते हैं अपने रायते की। यह हमारे पास दही है, दही में हमने डाला है 2 चम्मच काला नमक। रायते में मुझे काला नमक ही अच्छा लगता है इसलिए मैं काला नमक ही ऐड करती हूँ। इसे बीटर की हेल्प से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे हम अच्छे से। इसको मैं एक बर्तन में खाली कर लेती हूँ। ये दही हमारी काफ़ी अच्छे से फिट चुकी है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पुदीने का चटनी
जो सिर्फ पुदीने के पत्तों की पिसी हुई है, इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ पुदीने के पत्ते हैं जिन्हें मैंने मिक्स करके कांच की शीशी में रख रखा है। मुझे रायते में बहुत अच्छी लगती है और पुदीना जो कि ठंडा होता है, तो इसलिए मैं इसे रायते में गर्मियों में ज़रूर ऐड करती हूँ और इससे बहुत ही यम्मी स्वाद भी आता है। तो आप भी इसको इस तरह ही रख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें डाल देंगे हम बूंदी, जितनी बूंदी आपको पसंद हो, किसी को कम भी पसंद होती है, किसी को ज़्यादा भी। इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें भुना हुआ ज़ीरा, ज़ीरे का पाउडर, और फिर हम लगाएंगे इसमें तड़का। ज़ीरे का तड़का है हमारा, आप साबुत धनिया का भी तड़का लगा सकते हैं। ये हमारा रायता तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक यम्मी अलग सा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें हमने एक पुदीने का फ्लेवर ऐड किया है। तो आप पुलाव के साथ रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा विद मेरे स्टाइल में बनाया हुआ स्पेशल रायते को। अब हम चलते हैं अपने पुलाव की तरफ, जिसे हमने दम में रखा था। ये हमारा हो चुका है पुलाव। इसमें आप डालेंगे ग्रीन कलर, जो हमने सूखा ही स्प्रिंकल किया है, और एक कलर डालेंगे हम इसमें रेड कलर। मैं सूखा ही स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पर। इसको रख देंगे हम 5 मिनट और दम होने के लिए। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व करते हैं। अब देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बिल्कुल तिरंगे वाला कलर आ रहा है हमारे पुलाव में, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पुलाव हमारा तैयार है गाइस। यखनी पुलाव की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा विद स्पेशल रायता, वो भी मेरे स्टाइल में। और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जितना देखने में टेस्टी है, उतना ये खाने में भी लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर किसी और रेसिपी की डिमांड है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर ट्राई कर बताऊँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।